गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर चैनल MD इंटर कॉलेज छिपरा मऊ। और दूसरा चैनल जहाँ तक आपको पता ही होगा, मैथ्स ज्ञान चैनल चलता है। उस चैनल के माध्यम से हम आपको वीडियो अपलोड कराते हैं और ये आज इंटर का पहला वीडियो होगा, क्योंकि मैंने 9th हाई स्कूल के वीडियो अपलोड किए हैं। फर्स्ट ईयर का वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से मैंने 12th के भी वीडियो अपलोड नहीं किए। लेकिन कोरोना के चलते आज मजबूरन हमें वीडियो अपलोड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि घर पर रह के ही आपको पढ़ाई करनी है। फिलहाल में 31 अगस्त के बाद क्या प्लान बनता है तो फिर बाद में डिस्कशन करेंगे, कब क्लास शुरू होगी आपकी ऑफलाइन क्लास तो हम बात करेंगे। तो आज हम बताएंगे आपको कि क्लास 12th के चैप्टर में से कुछ चैप्टर से मतलब कम हुआ है, लेकिन पूरे चैप्टर नहीं हटा है, कुछ में से रिड्यूस किया गया है। आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, तो आपको उन्हीं चैप्टर्स में से 30% मतलब कुछ सिलेबस निकाल कर वही 30% कम कर दिया गया, यानी 70% कोर्स पहले से अब 70% कोर्स आना है। तो क्या आना है क्या नहीं आना है उसको आप लोग ध्यान से समझें। अब आप जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मेरी टॉपिक है आपका संबंध तथा फलन, ठीक है। संबंध तथा फलन में 10 मार्क्स आपके मतलब 10 मार्क्स का आपका आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उसके हिसाब से 10 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है बीजगणित अलजेब्रा में, वो आपका 13 नंबर का आता है। इसके बाद अब आपको कलन, ये बेटे आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कराएगा कलन, इसी में बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं और टॉपिक्स हैं, तो इसे आपको अच्छी तरीके से इस पर प्रिपरेशन करनी है। अगर कुल मिला के देख लो, अगर 44 नंबर का ये तैयार कर लिया और सरल होती प्रायिकता ये तैयार कर ली, तो 44 10 54 नंबर, यानी कि पास आपका टोटल आपका 33 नंबर चाहिए होते हैं 100 में से पास होने के लिए, और 100 ये होगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें आपको पूरे 100 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। चलिए अब इसके बाद कलन के अलावा इसके बाद अगला टॉपिक है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। तो सदिश में क्या करना है आपको, 17 नंबर का आपकी तैयारी के लिए आपको 17 नंबर आपको करना पड़ेगा तैयार, ठीक है। तो 17 नंबर का इसमें आता है। इसके बाद रैखिक प्रोग्रामन, ये आपका 6 नंबर का आएगा, इसमें कुछ विशेष है ही नहीं, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें विशेष चर्चा करेंगे, तो ये 6 नंबर का ही है। इसके बाद आएगी प्रोबेबिलिटी, ये आपकी बेटे 10 नंबर की आएगी। तो कुल मिला के अगर इनको जोड़ा जाए तो 100 नंबर आपके इस प्रकार से होते हैं, यानी कि 100 नंबर आपको अगर ये टॉपिक्स आपने इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको 100 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपने इसी पे लगे रहे, इसको तैयारी कर ली तो कोई जरूरी नहीं, आपका 13 नंबर से ही ये आने वाला है, ठीक है। इसमें आप लगे रहे प्रायिकता में तो ये 10 ही नंबर का आना है, तो आपको सभी टॉपिक्स पर थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी पे अच्छी अच्छी करनी, तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। देखिए गणित कोई पढ़ना कठिन नहीं, गणित क्या है, गणित अगर रटोगे तो कठिन है, समझोगे तो बहुत ईजी है, तो इसलिए हमें समझना है रटना नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम वीडियो अपलोड करेंगे, अब आपको इंटर के भी वीडियो डेली के डेली या लगभग जब भी हो पाएगा तब आपको वीडियो अपलोड करके दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन किससे आएगा। एयरप्लेन मोड लगा दो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक किसमें से कितना आएगा, राइट। तो आप लोग इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि कौन सा चैप्टर से क्या हटाया गया है, और जो हटाया गया है उसको मेंशन करेंगे, जो नहीं हटाया गया मतलब जो हटाया गया उसको मेंशन करेंगे यानी उसको लिख देंगे, तो आप लोग उसको मत तैयार करना। जो नहीं हटाया गया हम उसको नहीं लिखेंगे यानी उसको तैयार आपको करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे संबंध तथा फलन के जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक आता है आपका संयुक्त फलन, ये अब आपका नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा फलन का व्युत्क्रम, ये भी आपका नहीं आएगा। तीसरा द्विधारी जो संक्रियाएं हैं, ये अब आपके चैप्टर से फिलहाल में हटा दी गई हैं। बाद में क्या होता है वो बाद की बात है, फिलहाल की अगर बात करें तो ये अभी आपके सिलेबस में इनको कम किया गया है। इसी में फलन में अगला जो आपका एक्सरसाइज है या चैप्टर समझ लीजिएगा वो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये फलन से ही है। उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो आलेख आते थे, जो डायग्राम बनाना पड़ता था, जो आलेख खींचना पड़ता था, वो आपका नहीं आएगा। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये टॉपिक आपका अब नहीं आना है। तो कुल मिला के 10 नंबर में से ये नंबर आपके हटा दिए गए, यानी कि अब आपका जो बचा है उसको ही आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इकाई की, क्या है इकाई, देखिए
बच्चों जो इकाई यूनिट टू है 20 गणित अलजेब्रा से, उससे आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, अलजेब्रा आपकी पूरी पूरी आनी है, जो पहले आता था वही आना है, ठीक है। अलजेब्रा जो आपकी 13 नंबर की आती थी वो आपकी वैसे ही आएगी, वो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। चलिए बात करते हैं कलन की। कलन से बेटे एक टॉपिक है सततता तथा अवकलनीयता। इससे रोले तथा लैग्रांज की एक मद्यमान प्रमेय होती थी, तो रोले की प्रमेय और लैग्रांज की जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो आपकी नहीं आनी है। बच्चों को थोड़ा टफ भी लगती थी, तो वो आप बेटे नहीं आनी है मद्यमान थ्योरम। हालांकि इस पे उत्पत्ति नहीं पूछता है कि उत्पत्ति उसकी कैसे हुई, उससे जो क्वेश्चन आते थे थ्योरम से वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, तथा उनकी ज्यामिति व्याख्या एवं अनुप्रयोग, तो यानी वही बात हो गई, उनकी ज्यामिति जो व्याख्या होती थी और उनका जो अनुप्रयोग यानी कि किस तरीके से उनका हम अनुप्रयोग करते थे वो आपको तैयार नहीं करना है। देखिए अभी आपको ये नोट करना है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे कि आपका ये आप नहीं आना है। अभी आपको हो सकता है कि थ्योरी में आपको नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने इंटर में ये चैप्टर पढ़े ही नहीं, तो मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास पुरानी बुक है पुरानी बुक से ही तैयारी करिएगा। नई बुक अभी तक नहीं आई मार्केट में, तो अब आप पुरानी बुक से ही पढ़िएगा, उसी बुक से आप लोग क्या करेंगे ये वाले टॉपिक छोड़ देंगे, बाकी का सारा तैयार करेंगे। चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति जो आपकी यूनिट है इकाई है चौथी इकाई, उसमें बेटे सदिशों के जो अदृश्य त्रिगुणनफल हैं वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, ये आपका सिलेबस में नहीं रखा गया है, ठीक है। अब दूसरा जो बात करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर से, ये चैप्टर है ठीक है, ये चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, अच्छा ये चैप्टर है त्रिविमीय, इसका ये देखो ये सदिशों के त्रिगुणनफल है, ये उसी में एक हेडिंग आती थी, उसी का ये टॉपिक है, वो आपको तैयार नहीं करना है। अब त्रिविमीय ज्यामिति का जो परिचय है, ये अगला जो टॉपिक है उसमें से दो रेखाओं तथा दूसरी बात है दो तलों की तथा तीसरी बात है एक रेखा का एक तल के बीच कोण से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपको तैयार नहीं करते। ये आपके इससे क्वेश्चन आते थे कि दो रेखाओं वाले क्वेश्चन त्रिविमीय ज्यामिति से आते थे, थ्री डायमेंशनल जो आपकी ज्योमेट्री है उससे ये आपका सिलेबस हटा दिया गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो जो चीजें हटाई गई बंद कर दो। चलिए अब यूनिट नंबर 5 जो है रैखिक प्रोग्रामन, ये आपका पूरा ना ऑलरेडी आप जानते ही हैं, इसमें से ज़्यादा नंबर का तो पूछ ही नहीं गया, रैखिक प्रोग्रामन आपका 6 नंबर का आता था, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब हम बात करेंगे इकाई नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी की या प्रायिकता की। प्रायिकता में एक टॉपिक आता है यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, ये अब आपका हटा दिया गया, और बर्नौली परीक्षण से जो द्विपद बंटन था ये आपका हटा दिया गया, तो ये दो टॉपिक आपके इस चैप्टर से हटाए गए हैं। तो इस चैप्टर से यानी कि अब आपका जो आता था प्रायिकता 10 नंबर की आती थी, तो आपको 10 नंबर में इन दो टॉपिक्स को तैयार नहीं करना है, बाकी के 10 नंबर आपको कैरी कराएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको जो मैंने बताया है तो वो आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने नहीं लिखा है वो आपको पढ़ना है। किताबें सभी के पास हैं, कोर्स सभी के पास है, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि सर हमें क्या नहीं पढ़ना है क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको यहां तक समझ आई होगी। अब हम वीडियो आपके चैप्टर संबंधित वीडियो डेली अपलोड करेंगे, डेली का मतलब जब भी बन पड़ेगा एक दो दिनों में हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। जब भी बन पड़ेगा तब हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग उसको पढ़ें, कोई बात समस्या अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।